आज हम इंस्टेंट मिठाई बना रहे हैं। मैंने दो स्पून, ये बड़ी स्पून घी लेंगे, इसको मेल्ट होने देंगे। इसके बाद मैं एक ग्लास इसमें मिल्क ऐड कर दूंगी, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। बॉईल आने के बाद इसमें हाफ कटोरी में शुगर ऐड कर दूंगी, इसको मेल्ट होने देंगे। शुगर मेल्ट होने के बाद फिर इसमें मैं मिल्क पाउडर ऐड कर दूंगी। उसी कटोरी के हिसाब से मैंने डेढ़ कटोरी मिल्क पाउडर लिया है और इसमें अच्छे से लम्स नहीं आने देंगे, अच्छे से फेंट लेंगे, गुठलियाँ ना रहे जिससे। और इसमें ये 200 ग्राम है वैसे तो, अब इसको अच्छे से थिक कर लेंगे। और प्लीज़ मेरी इंस्टेंट रेसिपीज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसको हल्का सा ठंडा करने के बाद आप चाहे तो पेड़े बनाएं, आप चाहे तो इसको जमा दें। और इसको मैं अच्छे से इसे कंटेनर में डाल के आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख के छोड़ दूँगी। इसको इंजॉय करें, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और इसको डेकोरेट करके मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, आधे घंटे बाद देख लेते हैं। देख लिए, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। आपको कभी भी जल्दी से मिठाई बनानी है तो आप ये वाली मिठाई बना के खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं।